हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहां पे एक है गुड न्यूज और एक है बैड न्यूज। दोस्तों, गुड न्यूज है यहां पे जो मोटोरोला है उन्होंने मोटो G5S प्लस के ऊपर तीसरा सॉफ्टवेयर अपडेट दे दिया है, और जो बैड न्यूज है वो अभी भी ये ओरियो का अपडेट नहीं है। ट्विटर के ऊपर पूछ लिया, फेसबुक के ऊपर पूछ लिया, हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने मोटोरोला के यहाँ पे पूछा है कि मोटो G5S प्लस या फिर मोटो G5S के ऊपर ओरियो का अपडेट कब आएगा, और हर बार उनका एक ही स्टैंडर्ड आंसर रहता है, जब तैयार हो जाएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी कन्फर्म डेट यहाँ पे मोटोरोला बताने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, एक टाइम पे मोटोरोला के फ़ोन जाने जाते थे अपने स्टॉक एंड्रॉयड के लिए और सबसे फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, लेकिन आज के डेट में भी हमें स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस वैसे ही मिल रहा है, जिसे लेकर मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात रही सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो यहाँ पे मोटोरोला बहुत ही ज़्यादा लेजी और कंजूस हो चुका है, और ये तब से शुरू हुआ है दोस्तों जब से लिनोवा ने यहाँ पे मोटोरोला को टेक ओवर किया है। इससे पहले मोटोरोला अपने स्मार्टफोन के ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट है बहुत ही फटाफट दे दिया करता था, ताकि और वेट नहीं कराता था यूजर्स को। लेकिन जब से लिनोवा यहाँ पे गेम में उतरा है और ये मोटोरोला को यहाँ पे इन्होंने टेक ओवर किया है, तब से सॉफ्टवेयर के मामले में इनको मुझे लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है शायद देने में। और अभी एंड्रॉयड पी के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, और यहाँ पे हमारे फोन अभी भी एंड्रॉयड नोगट के ऊपर अटके हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दोस्तों, अभी जो ये लिनोवा है ये वेट कर रहा है MWC का, जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो फेब के एंड में होने वाला है, जहाँ पे ये मोटो G6 सीरीज के फोन्स लॉन्च करने वाले हैं एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ बॉक्स के साथ। और वो लॉन्च होने के बाद आने वाले दिनों में हमारे इन फोन्स के ऊपर ओरियो का अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो काफी लंबा वेट यहाँ पे ये करा रहे, जो कि कहीं ना कहीं काफी डिसअपॉइंट कर देता है इस तरह का बिहेवियर लिनोवो के तरफ से जब हमें देखने के लिए मिलता है। मुझे लगता है दोस्तों, लिनोवो यहाँ पे लिटरली मोटोरोला के ब्रांड को खराब कर रहा है। तो फिलहाल वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, ये सिक्योरिटी अपडेट जिन्होंने दिया January 2018 का, जिसके आने से मैं बहुत ही खुश हूँ कि इन्होंने कम से कम सिक्योरिटी अपडेट दिया, और ये तीसरा अपडेट इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे हम पुराना डेट में आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये December 2017 का डेट दिखाई दे रहा है। अपडेट करने के बाद चेक करके बताता हूँ कि फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मोटो G5S प्लस को अपडेट कर दिया है, और यहाँ पे मैं आपको इसका सिक्योरिटी अपडेट का डेट भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे January 2018 का डेट अपडेट हो चुका है, और फोन वैसे ही चल रहा है दोस्तों जैसे कि पहले चल रहा था, इसमें कोई खास डिफरेंस आया नहीं है। और वैसे भी सिक्योरिटी अपडेट है, अच्छी बात है यहाँ पे मोटोरोला ने दिया है सिक्योरिटी अपडेट। लेकिन अभी देखते हैं ओरियो का अपडेट कब तक आएगा और कितना वेट यहाँ पे लिनोवो हमें कराने वाला है। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर मुझे आगे चल के आता है इस अपडेट के बाद, तो नीचे मैं अपने कमेंट को वहाँ पे पिन करके आपको उसके जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप अपने मोटो G5 सीरीज के फोन के लिए ओरियो के अपडेट के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी जो है वो अच्छा है, ओरियो का अपडेट आए या ना आए उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।